हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज पे। दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप जो है इस फोन को बड़े आराम से यूज कर पाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा इस फोन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस फोन में जो आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, इन सभी फीचर्स के बारे में जानना है तो सिंपली आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ फीचर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो है कनेक्शन, कनेक्शन पे ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और यहाँ पर जो है मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क पे आएगा तो यहाँ पर आपको जो है डुअल 4G वैलिडिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वैलिडिटी कॉल सिम 2 एक्टिवेट कर दीजिएगा तो डुअल 4G वैलिडिटी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे दोनों सिम में जो है मेरा वैलिडिटी एक्टिवेट है, यहाँ पर जो है वैलिडिटी लिखा हुआ होगा। तो ये जो है डुअल 4G वैलिडिटी को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आपको नेटवर्क को स्विच करना है या फिर आपको जो है सिंपली डेटा को स्विच करना है तो सिम कार्ड एंड मैनेजर पे आना है और यहाँ पर आप जो है कॉल को स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप डेटा को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिम 2 पे डेटा लगा सकते हैं, कॉल यहाँ पर जो है सिम 1 पे लगा सकते हैं या फिर ऑलवेज आस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है डेटा को अपने हिसाब से जो है स्विच कर सकते हैं। तो कनेक्शन में जो है आपको ये कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में आएगा तो यहाँ पर आप रिंगटोन वगैरह जो भी साउंड वगैरह आपको लगाना है आप यहाँ पर अगर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आएगा तो यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन ऐप डॉट बैजेस को जो है ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐप आइकॉन बैजेस का ऑप्शन है, सिंपली आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा तो आपके किसी भी एप्लीकेशन में जो है कोई भी बैज शो नहीं करेगा अगर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर आप जो है किसी भी एप्लीकेशन में जाकर जो उसका पर्टिकुलर ऐप आइकॉन बैजेस को ऑफ कर सकते हैं या फिर उसका जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है आप उसे ऑफ कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पे आकर जो है आप कुछ इस तरह के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन की बात करें वह है डिस्प्ले, डिस्प्ले का ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वह है ब्राइटनेस का, यहाँ पर आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है। सैमसंग के लो बजट डिवाइस में जो है ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर नहीं दिया जाता है, बट इस डिवाइस में जो है आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। फ्रंट एंड स्क्रीन साइज जूम को भी आप जो है यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको फ्रंट साइज बड़ा करना है, स्क्रीन साइज को बड़ा करना है आप जो है बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है फ्रंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, काफी सारे स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद हो आपको अप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पर डन कर देना है और आप चाहे यहाँ पर डाउनलोड फ्रंट पे क्लिक करके और भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर आएगा तो आपको होम स्क्रीन से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो है आपको आपके होम स्क्रीन में भी देखने को मिलता है, आपको डबल फिंगर से कुछ इस तरह से स्वाइप करना पड़ता है और यहाँ पर आपको नीचे जो होम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ पर ऐप ड्रॉयर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऐप ड्रॉयर को हटाकर अप्लाई कर दीजिए तो सारे के सारे एप्लीकेशन जो है आपके होम स्क्रीन में आ जाएंगे, आपका ऐप ड्रॉयर जो है हट जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे उतना ज्यादा खास अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐप ड्रॉयर काफी अच्छा लगता है जिससे मेरा जो होम स्क्रीन है वो काफी क्लीन रहता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐप ड्रॉयर मेरा आ चुका है तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है आपको। दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है आपको होम स्क्रीन गाइड का, तो यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से गाइड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अपने हिसाब से आपको जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। ऐप स्क्रीन गाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 5:6 कर सकते हैं, 4:6 कर सकते हैं, जो भी आपको करने को अच्छा लगता है वो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। ऐप बटन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको जो है ऐप यानी कि ऐप ड्रॉयर का बटन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर शो ऐप बटन के ऑप्शन को एनेबल करके अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऐप ड्रॉयर का आपको बटन शो हो जाएगा, आप यहाँ पर जो है क्लिक करके कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये पसंद नहीं है, आपको अगर पसंद हो तो यहाँ पर आप जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐप आइकॉन बैजेस का ऑप्शन दिया गया है, आप डायरेक्टली जो है इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एड ऐप टू होम स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, इसे एनेबल करते ही गूगल प्ले स्टोर से कोई भी नया एप्लीकेशन वगैरह अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। क्विक ओपन नोटिफिकेशन पैनल का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप जो है नोटिफिकेशन पैनल को क्विकली ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये डिसेबल रहता है और अगर आप इसे जो है ऑफ कर देते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ऐप ड्रॉयर ओपन हो जाएगा।
तो यहां पर आप चाहें तो इससे एनेबल करके रख सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड ओनली का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आप जो है कहीं पर भी पोर्ट्रेट मोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, और काफी इजीली अपने फोन का हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली ये मुझे काफी अच्छा लगता है, और यहां पर इस तरीके से यूज करने में फोन का मजा ही अलग होता है। तो आप चाहें तो यहां पर इसे एनेबल करके रख सकते हैं। हाइड ऐप का ऑप्शन दिया गया है, यहां पड़ेगा तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं एक एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर को मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और कैलकुलेटर हमारा हाइड हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है कैलकुलेटर कहीं पर भी शो नहीं कर रहा है, और मैं इससे अनहाइड कर देता हूँ। एक बार दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पर अनहाइड करके अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद आपको ऐप ड्रॉअर में ले जाता हूँ। तो देखिए कैलकुलेटर यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है कैलकुलेटर वगैरह या फिर जो भी एप्लीकेशन वगैरह आपको नहीं चाहिए हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर सकते हैं। अबाउट होम स्क्रीन, होम स्क्रीन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर जो है सैमसंग एक्सपीरियंस होम का जो है यहाँ पर दिया गया वर्जन 9.0 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पर आप जो है थीम वगैरह वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर थीम के ऑप्शन पे आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अलाउ वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे थीम देखने को मिल जाते हैं। कुछ जो है फ्री रहते हैं और कुछ जो है यहाँ पर आपके रहते हैं पेड रहते हैं, ₹50 चार्जेस वगैरह लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्री एक डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको क्लिक करना है और नीचे फ्री पे क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है, फ्री पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है अप्लाई होने में, कि अप्लाई हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, 100% हो गया। और अब देखिए यहाँ पर जो है थीम मेरा जो है चेंज हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है सभी जगह पर जो है मेरा थीम चेंज हो चुका है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेसिकली आप चाहें तो यहाँ पर थीम वगैरह को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और मैं अपना खुद का थीम लगा लेता हूँ जिससे दिक्कत ना हो। बेसिकली जो है दिक्कत हो जाएगा इस तरीके का थीम यूज़ करने में, तो अप्लाई हो जाए भाई। तो यहाँ पर आप जो है थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे वॉलपेपर दिए गए हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है, टॉप वगैरह है, जो फ्री वगैरह में टॉप आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आइकॉन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर जो आइकॉन्स वगैरह को भी जो है अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हैं। विजिट्स का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर जो है विजिट्स वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन से रिलेटेड कुछ इस तरीके कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं सेटिंग्स पर, डिस्प्ले के ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको जो है फुल स्क्रीन ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो आप जो है फुल स्क्रीन ऐप कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको ड्रॉप नॉच को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर आकर आप उसे एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर प्राय मेरा सभी एप्लीकेशन जो है ड्रॉप नॉच को सपोर्ट कर रहा है, और अगर आपको ड्रॉप नॉच पसंद नहीं है तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड कैमरा का ऑप्शन दिया गया है इसे एनेबल कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ड्रॉप नॉच हट चुका है, तो यहाँ पर आप जो है ड्रॉप नॉच को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के ऑप्शन में। साथ साथ यहाँ पर आइकॉन फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप आइकॉन फ्रेम को जो है यहाँ पर ओनली आइकॉन कर सकते हैं, आइकॉन फ्रेम वगैरह कर सकते हैं, डन वगैरह, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस दिया गया है नाम। और स्टेटस बार दिया गया है, स्टेटस बार में आएगा तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज वगैरह दिया गया, आप यहाँ पर जो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। नेविगेशन बार दिया गया है, तो नेविगेशन बार जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर राइट लेफ्ट कर सकते हैं नेविगेशन बार में आकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइट लेफ्ट का ऑप्शन है। और यहाँ पर फुल स्क्रीन जेसस का भी ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके का, आप यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन जेसस वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका गूगल ओपन हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये कुछ ट्यूटोरियल वगैरह मुझे उतना सही तरीके से पता नहीं फुल स्क्रीन जेसस का, तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर जो है पता करने का क्या है, थोड़े बहुत दिन में जो है आदत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप नेविगेशन बार को जो है जेसस मोड में लगा सकते हैं, और आपका जैसे ही आदत हो जाता है आप जो है बड़ी यूजफुल हो जाएंगे इसके साथ साथ। मुझे अभी फिलहाल आदत नहीं है सैमसंग वाले का यूआई का। और यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन लेआउट टाइम वगैरह दिया गया है, और यहाँ पर स्क्रीन सेवर वगैरह दिया गया है, लॉक स्क्रीन में अगर आप जो है स्क्रीन सेवर वगैरह करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दीजिएगा, चार्ज में लगाइएगा तभी जो है आपका स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा, आपका चार्ज परसेंटेज कितना हो रहा है वो दिखाता रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है आपको और कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। पांचवें ऑप्शन की बात करें वह है वॉलपेपर एंड थीम्स, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। छह नंबर जो ऑप्शन है वह है एडवांस फीचर, एडवांस फीचर में आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है वह गेम्स का, गेम्स पे आएगा तो यहाँ पर आपको गेम्स लॉन्चर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। गेम्स लॉन्चर है क्या, ये इनेबल रहता है, तो यहाँ पर आपको जो है आपके ऐप ड्रॉअर में गेम लॉन्चर बोलकर ऐप देखने को मिल जाएगा, वहां पर रहेगा तो जो भी गेम वगैरह आपने डाउनलोड किया होगा वो इस लॉन्चर में आपको शो हो जाएगा।
और आप यहाँ पर जो है गेम से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गेम साउंड को ऑफ करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपके सारे गेम के साउंड जो है ऑफ रहेंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आपको गेम परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो आप अपने गेम परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बैटरी लो है तो आप यहाँ पर फोकस ऑन पावर सेविंग कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैलेंस करना है बैलेंस कर सकते हैं, या फिर फोकस ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ईच गेम का सेटिंग्स करना है तो यहाँ पर ईच गेम सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसे इनेबल करके आप जो है ईच गेम का सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप जो है गेम को काफी इजीली जो है हैंडल कर पाएगा और काफी मजा आएगा आपको गेम वगैरह खेलने में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह है वन हैंड मोड का। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप जो है वन हैंड मोड में अपने फोन को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको वन हैंड मोड में करना है तो कुछ इस तरीके से जो है आपको स्वाइप करना पड़ता है, फिर से करते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है कुछ इस तरीके से स्वाइप करने में। तो ये जो है मैं बटन वाला कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थ्री टाइम आप टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, लेफ्ट राइट करना है, आप वन हैंड मोड जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी जेसस मुझे थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है जेसस में, यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना पड़ता है कुछ, तो जेसस मेरे से हो नहीं रहा है। तो ये देखिए हो गया जेसस, तो जेसस मोड भी आप कर सकते हैं, जो आपको जो है पसंद है आप बेसिकली उस टाइप से जो वन हैंड मोड का एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिकली मुझे वन हैंड मोड उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। फिंगरप्रिंट जेसस का ऑप्शन दिया गया है, फिंगरप्रिंट जेसस में आपको सिर्फ एक फिंगरप्रिंट जेसस देखने को मिलता है, वह है फिंगरप्रिंट को स्वाइप डाउन कीजिए तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, स्वाइप अप कीजिए नोटिफिकेशन पैनल अप हो जाएगा। तो यही आपको फिंगरप्रिंट जेसस देखने को मिलता है, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मल्टी विंडो का ऑप्शन दिया गया है जो कि काफी कमाल का ऑप्शन है। स्प्लिट स्क्रीन वगैरह करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कीजिएगा, आप जो स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, आपको रिसेंट ऐप को टैप करके रखना है और यहाँ पर आप जो है कुछ इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने प्ले स्टोर को ले लिया है स्प्लिट स्क्रीन में। स्विच करना है, यहाँ पर आपको जो है स्विच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बीच में टैप कीजिएगा यहाँ पर जो है स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको जिसको एग्जिट करना है यानी कि बड़ा करना है कुछ इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एग्जिट करने के लिए आपको स्वाइप पूरा नीचे डाउन कर देना है, आप जो है एग्जिट हो जाएगा। दोबारा से स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो काफी कमाल का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर जो है मल्टी विंडो का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, दोबारा से जाते हैं यहाँ पर मल्टी विंडो में। और यहाँ पर आपको पॉपअप व्यू अप एक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये है क्या, तो आपको कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक पॉपअप आ चुका है विंडो। अब आप यहाँ पर जो है सेटिंग्स के भी काम को कर सकते हैं और दूसरा कोई काम हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया यहाँ पर जो है आपको पॉपअप विंडो का ऑप्शन दिया गया, जो कि काफी कमाल का ऑप्शन दिया गया। तो ये मल्टी विंडो ऑप्शन मुझे काफी कमाल का लगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो अगर आपका कोई भी कॉल वगैरह आता है आप डायरेक्टली जो है कॉल को रिसीव कर सकते हैं अपने ईयर के पास लाकर। तो ये भी काफी बढ़िया आपको फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको स्मार्ट अलर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे इनेबल करते ही आपका जो है स्मार्ट अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके फोन में कोई मिस कॉल या फिर कोई भी मैसेज वगैरह आएगा तो आप सिंपली फोन को जो है रिसीव कीजिएगा यानी कि उठाइएगा तो आपके हाथ में जो हल्का सा वाइब्रेट फील होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके फोन में मिस कॉल वगैरह आया था या नहीं आया था। तो ये भी काफी अच्छा जो ऑप्शन दिया गया है। इजी म्यूट का ऑप्शन दिया गया, अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो सिंपली कोई भी कॉल वगैरह अलार्म वगैरह है तो आप सिंपली जो है फोन को फ्लिप करके जो है इजीली म्यूट कर सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्वाइप टू कॉल और सेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे इनेबल करके जो है आप किसी भी कॉल को स्वाइप करके जो है कॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह स्वाइप कीजिएगा तो आपका जो है कॉल लग जाएगा, जो भी आपने सिम वगैरह जो है दिया होगा अपने फर्स्ट सिम के थ्रू। तो काफी बढ़िया ये भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। चैट ओवर वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं इसे इनेबल करने के बाद आपका कोई भी मैसेज वगैरह आता है तो आप सिंपली जो है चैट वगैरह कर सकते हैं वीडियो देखते देखते। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया। डुअल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आपके फोन में फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है, जो भी मैसेंजर से रिलेटेड एप्लीकेशन वगैरह है तो आप उसे जो है डुअल कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं फेसबुक है, इसे इनेबल करना है, इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको जो है डुअल फेसबुक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर एक फेसबुक है, यहाँ पर देखिए दूसरा फेसबुक। तो ये भी काफी बढ़िया आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके लिए अलग से जो है एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप जो है एक ही फोन में डुअल व्हाट्सएप, डुअल फेसबुक या फिर डुअल जो है मैसेंजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर पैनिक मोड का ऑप्शन दिया गया है। पैनिक मोड बेसिकली जो है SOS है, कोई भी मैसेज वगैरह आप यहाँ पर टाइप करके रखिएगा, अगर पैनिक है तो यहाँ पर पावर बटन को जो है प्रेस कीजिएगा 3 बार, तो आपका जो है मैसेज आपके किसी भी सेंडर को चल जाएगा जिसे भी आपने चूज करके रखा होगा। डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली ऐप वगैरह को शेयर वगैरह कर सकते हैं। टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके फोन में स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा हुआ है और आपका टच सही से वर्क नहीं कर रहा है स्क्रीन गार्ड की वजह से, तो आप टच सेंसिटिविटी को एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे आपका टच सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप जो है बढ़िया आराम से अपने फोन को यूज कर पाएगा। सातवें ऑप्शन की बात करें वह है डिवाइस मेंटेनेंस। डिवाइस मेंटेनेंस पे आएगा तो यहाँ पर आप अपने डिवाइस को जो है अपने हिसाब से मेंटेन कर पाएगा। यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी पे आएगा तो यहाँ पर आप जो है मीडियम मैक्स बैटरी पावर सेविंग मोड को कर सकते हैं। आप चाहे तो मीडियम में जो है बैटरी सेविंग मोड को एनेबल कर सकते हैं, मैक्स में कर सकते हैं, जैसे आपको जरूरत होगा उस हिसाब से आप जो है पावर सेविंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर फुल्ली जो है फोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अभी जो ये 100% ऑप्टिमाइज है तो इस वजह से अभी जो है ऑप्टिमाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्टोरेज का ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप जो है स्टोरेज वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी एक्सेस स्टोरेज होगा आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है क्लीन कर सकते हैं। मेमोरी में आते हैं तो यहाँ पर आप जो है रैम वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, आपके फोन का जो रैम वगैरह एक्सेस होगा, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लीन नाउ अभी दिखा रहा है 285 MB जो है मेरा रैम अभी जो है फ्री होने को है, यानी कि यहाँ पर यूज है जिससे मैं फ्री कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके जो है इसे फ्री कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब जो है 285 MB जो है मेरा रैम फ्री हो चुका है। तो आप यहाँ पर जो है रैम वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर डिवाइस सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो है वायरस वगैरह को स्कैन कर सकते हैं डिवाइस सिक्योरिटी में आकर, फोन वगैरह को जो है वायरस वगैरह है कि नहीं। अल्ट्रा पावर डेटा सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो आप डेटा सेविंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन में आप जो है डेटा सेविंग मोड का एप्लीकेशन करना चाहते हैं। आठवें ऑप्शन की बात करें वह एप्स। बेसिकली एप्स पे आकर जो है आपको सारे वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो भी आपके फोन में इंस्टॉल होंगे, और यहाँ पर आकर आप जो है किसी भी एप्लीकेशन का क्लियर डेटा और क्लियर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आना है आपको स्टोरेज का ऑप्शन पे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डेटा और क्लियर कैसे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली क्लियर कैसे वगैरह कर सकते हैं या फिर क्लियर डेटा करना है तो डायरेक्टली क्लियर डेटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो है क्लियर डेटा और क्लियर कैसे वगैरह कर सकते हैं। 9 नंबर ऑप्शन की बात करें वह लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पे आएगा तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन वगैरह के टाइप को चेंज कर सकते हैं, पैटर्न पिन जो भी देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन में स्टोरेज वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है 19 पिक्चर को यानी कि 19 पिक्चर को जो है ऐड करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे मैंने लॉक किया, ओपन किया, यहाँ पर पिक्चर लॉक किया, ओपन किया, यहाँ पर अलग पिक्चर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है पिक्चर को स्वाइप वगैरह कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप जो है लॉक स्क्रीन के क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टाइल वगैरह दिया गया है, जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कलर वगैरह दिया गया, आप जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऊपर डन करना है। और रोमिंग क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फेस विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये जो है बेसिकली लॉक स्क्रीन में अगर आप जो है म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, आप स्वाइप करके जो है लॉक स्क्रीन के म्यूजिक वगैरह का जो है नेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये आपको जो है लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। ये सभी फोन में होता है, कोई खास फीचर नहीं है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया गया है, बेसिकली आप जो है लॉक स्क्रीन में अपना कोई एक पर्सनल पर्सन का जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे बाय चांस आपके साथ कोई हादसा वगैरह होता है तो कोई भी पर्सन जो है आपके फोन के लॉक स्क्रीन में जो है उस कॉन्टैक्ट को देखकर कॉल कर सकता है, जिससे आपका हेल्प हो सके। तो ये भी काफी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐप शॉर्टकट का ऑप्शन दिया गया है, तो लॉक स्क्रीन में आपको 2 ऐप शॉर्टकट देखने को मिलता है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कॉल, कैमरा, मैसेंजर, जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पर जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के ऑप्शन में। यहाँ पर जो 9 नंबर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वह है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का। बेसिकली आपके फोन में अगर फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, तो आप यहाँ पर आकर जो है उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें वह है क्लाउड एंड अकाउंट्स का। यहाँ पर जो है आप सैमसंग क्लाउड में जो है ज्वाइंट हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह में अकाउंट वगैरह बनाते हैं वैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। गूगल की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ खास फीचर देखने को नहीं मिलता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको फीचर देखने को मिल जाता है, स्वाइप डाउन करते हैं यहाँ पर जो आंसर एंड एंडिंग कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल का इसे एनेबल करते हैं, तो वॉल्यूम अप को जो है आप प्रेस कीजिएगा तो आप जो है किसी भी कॉल को आंसर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आंसरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे एनेबल करने के बाद आपके कान में अगर कोई ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह होता है तो 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आंसर कर देगा, आपको आंसर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, फिर कॉल बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं। तो काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है।
प्रेस पावर की एंड कॉल। तो इसे इनेबल कर दिया, आप जो है एंड कॉल कर सकते हैं पावर बटन को प्रेस वगैरह करके, तो ये भी काफी बढ़िया आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंगल टैप मोड का ऑप्शन मिलता है, इसे इनेबल करके आप जो है सिंगली टैप करके इनकमिंग कॉल को रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप जो है अलार्म वगैरह या फिर अलर्ट वगैरह को ऑफ वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको सिंगल टैप के ऑप्शन में देखने को मिलता है, और जो है एक्सेसिबिलिटी में आपको कुछ खास फीचर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें वो है जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज वगैरह को जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, फोन को रीसेट वगैरह करना है ये आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं। यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा, अबाउट फोन देखने को मिल जाता है, और जो है आपको सेटिंग्स में कुछ भी खास ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आपको कास्ट स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अपने फोन के डिस्प्ले को अपने स्मार्ट टीवी में मिरर कर पाएगा। ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर जो हाइड है, आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है, नीचे करने के बाद आपको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करना है, और यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो है फोन डिवाइस के साथ जो है पेयर करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बेसिकली आपका वाईफाई जो है एनेबल होना चाहिए, और यहाँ पर डिवाइस टू फोन करना चाहते हैं या फिर फोन टू डिवाइस करना चाहते हैं, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप यहाँ पर जो है सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अबाउट स्मार्ट व्यू यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली अपने फोन को जो है मिरर कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट डिवाइस में, ये ऑप्शन जो है दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ चुका है 32 इंच का एक सैमसंग का टीवी, जो कि मेरा टीवी है नीचे सॉरी। तो यहाँ पर मैं मिरर कर सकता हूँ बेसिकली अपने फोन को उस स्मार्ट टीवी में। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस फोन में जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग, साथ साथ कॉल ब्लॉकिंग, और यहाँ पर जो है वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको डायलर पे जाना है, डायलर पे जाने के बाद आप कोई भी नंबर डायल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप नेटिव वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप कीजिएगा, सेटिंग्स पे जाएगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है ब्लॉक नंबर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप नंबर वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर शो कॉल इन पॉपअप का भी ऑप्शन दिया गया, आप जो है पॉपअप के रूप में कॉल वगैरह को शो कर सकते हैं। और स्वाइप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल कर दीजिएगा तो आपका जो कॉल वगैरह है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता रहेगा। और वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, इन फ्यूचर अगर कभी वाईफाई कॉलिंग वगैरह आता है तो आप डायरेक्टली वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो रेडी टू जो है फ्यूचर फोन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बटन ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो ऑर्डर कर सकते हैं अपने बटन को, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे बटन ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है। आप जिसको भी ऊपर लेना चाहते हैं ऊपर ले लीजिए, जिसको भी साइड लेना चाहते हैं साइड ले लीजिए। यहाँ पर मोबाइल डेटा सबसे पहले रहना चाहिए क्योंकि मोबाइल डेटा सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, डन करते ही आपका काम खत्म, और यहाँ पर आपका जो है नोटिफिकेशन पैनल अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें वो है इसका कैमरा, यहाँ पर जो है आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, एक जो है वाइड एंगल कैमरा है। तो सिंपली अगर आपको वाइड एंगल कैमरा में फोटो वगैरह क्लिक करना है तो आप कैमरा में आएगा, और यहाँ पर आपको जो है नीचे दो पेड़ का आइकॉन देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो आप जो है एक पेड़ को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वाइड एंगल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे वाइड एंगल, और ये रहा नॉर्मल कैमरा और ये रहा वाइड कैमरा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वाइड कैमरा और नॉर्मल कैमरा में स्विच कर सकते हैं। लाइव फोकस में जाते ही आपका जो है पोर्ट्रेट मोड इनेबल हो जाता है, आप यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट शॉट वगैरह क्लिक कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड ब्लर वाले शॉट वगैरह। और यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। ऑटो वगैरह स्टिकर वगैरह दिया गया है, प्रो मोड दिया गया है, पैनोरामा मोड वगैरह दिया गया है, वाइट बैलेंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर सेल्फी कुछ इस तरीके का है, लाइव फोकस, आप जो है पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जा रहा है। और यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शन जो है आपको कैमरा में देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो फीचर है वो है आपका वाइड कैमरा का फीचर, यानी कि यहाँ पर जो है आप वाइड कैमरा कर सकते हैं, बड़ा छोटा छोटा बड़ा। तो ये फीचर बेसिकली आपको कैमरा में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज करते हैं, आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी M20 का फीचर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।